तो ड्यूरिंग प्री फाइनल ईयर एंड फाइनल ईयर में हमारे एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट होता है कि प्रोजेक्ट अच्छे से करो या इंटर्नशिप। तो यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे दोनों ही कर लो, फिर भी एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है कौन सी ज़्यादा स्ट्रेस देके करूँ, क्योंकि एक को आप ज़्यादा स्ट्रेस देकर करोगे तो दूसरा थोड़ा लाइट हो जाएगा, ये कॉमन चीज़ है। तो इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ जिन्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप नहीं मिलते उन्हें कैसे अच्छे मिल जाए उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो हे गाइज, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आई एम अनिर्बन एंड यू आर वॉचिंग टेक हैक्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अच्छे प्रोजेक्ट्स कैसे ढूंढ पा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो उन्हें एक कंप्यूटर रिलेटेड प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा। जो लोग नहीं है फिर भी आईटी कंपनी में जाना चाहते हैं, नॉन टेक बैकग्राउंड स्टूडेंट्स या कुछ दूसरे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, तो एक आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट बना लो, क्योंकि वो आपका रिज्यूमे में शो करता है कि आप आईटी में इंटरेस्टेड हो, इसीलिए आप एक आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट कर लो। तो यहाँ पे आप कहेंगे हमें तो कंप्यूटर साइंस में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट कहाँ से ढूंढे। देखिए ऐसे कोई बात नहीं, आपको खुद से ही सब कुछ प्रोजेक्ट वो कंप्यूटर साइंस वालों की तरह 4-5 महीने लगा के करना पड़ेगा मेंटर ढूंढ के, ऐसा कोई बात नहीं। बहुत सारे वेबसाइट्स अब अवेलेबल हैं, जैसे ये आपको मैं दिखा देता हूँ, पाइथन प्रोजेक्ट्स, 1000 मिनी प्रोजेक्ट्स, फ्री प्रोजेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट, गिटहब में भी काफ़ी सारा प्रोजेक्ट है। तो इन सब वेबसाइट से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल ऑलरेडी है, तो यहाँ से आप किसी भी प्रोजेक्ट को उठाओ, उठा के उस प्रोजेक्ट को आप एक मेंटर के सहारे एग्जीक्यूशन सीखो, मतलब कि उस प्रोजेक्ट को ऐसे एग्जीक्यूशन किया है टोटल जो प्रोसेस आप सीखो, उसके साथ साथ कुछ मॉडिफाई कर पाओगे तो डेफिनेटली वो भी काफ़ी अच्छा चीज़ है, मॉडिफाई भी कर लो। मतलब कि इंटरव्यू में जब आपको पूछा जाएगा तो ऐसा लगना चाहिए आप खुद वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हो। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे ये तो काफ़ी टफ चीज़ है, ऐसे कोई बात नहीं, एक प्रोजेक्ट जब रेडी होगा और उसके बाद आप एक मेंटर के सहारे उस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन प्रोसेस आप ढूंढने की कोशिश करो तो डेफिनेटली आप उस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ जान जाओगे, तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं। और जो लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में है उन्हें तो प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी वो लोग भी ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस नॉलेज है तो डेफिनेटली एक खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, जो लोग एकेडमिक पर्पस के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं बहुत सारे इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअल वो तो खुद ही शेयर होंगे, और जो लोग नहीं इंडिविजुअली कर सकते तो टीम में बना रहे हो तो एटलीस्ट 3 टीम मेम्बर्स रखो। वहाँ पर एक टीम मेम्बर रखो जो प्रेजेंटेशन स्किल्स काफ़ी अच्छा है, मतलब कि पावर पॉइंट वगैरह अच्छे बना लेता है, वो डेफिनेटली आपका कॉलेज में एकेडमिक पर्पस में भी हेल्प करेगा प्रेजेंटेशन, उसके साथ साथ आप भी प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके भी ग्रो होंगे जो आप इंटरव्यू में अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। उसके साथ साथ एक बंदा और रखो जिसके पास थोड़ा बहुत टेक्निकल स्किल्स हो, एटलीस्ट कोई इशू फेस होगा तो उसको सॉल्यूशन ना पता हो एटलीस्ट वो बोल पाएगा इसका सॉल्यूशन कहाँ मिल सकता है, तो एक टेक्निकल बंदा रखो। उसके साथ साथ एक थर्ड बंदा, एक जुगाड़ू बंदा रखो जो जुगाड़ करता है चीज़ों का, मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ चुका है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो सीनियर से जुगाड़ या टीचर से जुगाड़, कहाँ से भी जुगाड़ लगा सकता है जिसके बाद बहुत सारे लोगों से पहचान है, तो इस तरह एक जुगाड़ू बंदा भी रखो। तो ऐसे एक टीम बनाओ और अच्छे से एक प्रोजेक्ट रेडी करो। तो प्रोजेक्ट में आपका इनपुट क्या है वो काफ़ी मैटर करता है, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ। एग्जीक्यूशन प्रोसेस सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर जब आपको पूछेगा तो आप वहाँ पर नहीं बोल सकते मैं तो टीम में ये कर रहा था तो मैं वो नहीं बोल सकता, ऐसा कोई बात नहीं, आपको फुल एग्जीक्यूशन प्रोसेस जानना पड़ेगा। तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरव्यूज़ में, क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छे हो, अगर आप एक सोशल बेनिफिट हो उस प्रोजेक्ट में तो डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट को बोल के ही आप काफ़ी सारा टाइम निकाल सकते हो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर का, तो वहाँ पे इंटरव्यूअर इम्प्रेस भी कर सकते हो। तो अच्छे प्रोजेक्ट एक ढूंढना इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इंटर्नशिप। देखिए इंटर्नशिप भी प्रोजेक्ट के ही जैसा उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, एक मीथ है, किसी भी इंटर्नशिप को आप ले लेते हो, इंटर्नशाला में 1000-2000 रुपये में मिल रहा है तो ले लिया, और वहाँ पे जा गए हो एंड्रॉयड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और जाके सोशल मीडिया मैनेजमेंट के काम कर रहे हो, ऐसे कुछ नहीं होता। आप ऐसे प्रोजेक्ट में जाओ जहाँ पे आपका स्किल्स डेवलप हो रहा हो। सपोज़ मैं आपको बोल देता हूँ, आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो आपका जावा का स्किल्स डेवलप हो रहा हो। सपोज़ आप पाइथन जानते हो तो एक वेब एप्लीकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट ढूंढो जहाँ पे आप डिजाइन के मदद से वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो या API वगैरह डेवलप कर सकते हो, मतलब कि जहाँ पे कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, अगर फ्री भी हो तब भी, मतलब कि जो मैटर करता है आप क्या सीख रहे हो वही मैटर करता है, सर्टिफिकेट से कुछ नहीं जाता। तो ऐसे इंटर्नशिप ढूंढने की कोशिश कीजिए, और इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ कैसे अच्छे इंटर्नशिप स्टार्टअप या एजेंसी में ढूंढा जा सकता है, तो जो लोग अभी तक नहीं देखे जाके देख लीजिए। तो दोनों ही मैटर करता है, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, तो अच्छे से अभी से प्रिपेयर हो जाइए, प्री फाइनल ईयर में है या उसके आगे भी आप प्रिपेयर। ऐसे ही बहुत सारे और भी करियर रिलेटेड वीडियोस चैनल में है, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जो लोग ऑलरेडी है प्यार देते रहना। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए
टाटा।